Vamos a la playa. सो गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स नेक्स्ट डे 15th of January। भाई रात को क्या होना, वो बारबेक्यू कर रहे थे हम, और मतलब यार दोस्त तो ज्यादा लोग कर नहीं पाए क्योंकि गाने वाने भी बज रहे थे, और फिर मतलब काम बहुत था। फिर लास्ट में मतलब स्पीकर वगैरह को अंदर रखे, फिर मतलब सारा सामान वगैरह समेटा सारा, और फिर नीचे आए, फिर इतना ज्यादा लेट हो गए थे। हफ्ता भयंकर हालत टाइट हो गई थी भाई रात को, मतलब ऐसे लग रहा था बस सो जाओ और कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि पूरे दिन से भाई ऊपर नीचे गए कोई 50 चक्कर हो गए यार, छत पे में इतना जाता ही नहीं। तो मतलब कल भयंकर हालत खराब हो गई थी, तो ऐसा सोया। अब आज सुबह आँख खुली है ना, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह अपना सब कुछ हो गया है, अभी चलते हैं ऊपर। आज का भी अपना सीन है, वो क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमें भी नहीं पता। अब कल का तो फिक्स था कि क्या करना है, अब अभी सारे यार दोस्त आएंगे फिर डिसाइड करते हैं कि आज क्या करना है। आ जाओ। कदम बढ़ाओ दोस्तों। तू नहीं आ रही, नहीं आ रही तू, क्यों? गाइस अभी स्पीकर वगैरह निकालते हैं बाहर और रखते हैं, सेटअप करते हैं फिर से। तो गाइस स्पीकर वगैरह बाहर निकाल दिया, अब स्टार्ट करते हैं। दुम दुम बुम बुम दुम दुम बुम बुम। तो गाइस मैं छत के ऊपर था, गाने वाने बज रहे थे, आवाज ही नहीं आई। डिलीवरी बॉय का दो बार कॉल लगा, अपना पार्सल आया था तो बस वो लेकर, उसमें अपन ने मंगाया प्रोटीन। लास्ट टाइम मैंने मंगाया था बिग मसल्स का, है ना, और फ्लेवर था वो आइसोलेट प्रोटीन। अब उसमें क्या है ना यार, लेने के बाद मतलब इतनी ज़्यादा मतलब प्यास लगती थी, ऐसा लगता था कोई सूखा आटा खा लिया हो, मतलब इस हिसाब से मतलब फील होता था। और उसके बहुत खतरनाक मैंने रिव्यू भी देखे उसके बाद में, मतलब पूछे मत आप, इतने खतरनाक रिव्यू देख लिया कि मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया। अगर वो सही भी होगा तो फिर मतलब मैं नहीं लेने वाला आगे से भाई। मतलब 100 में से 2 लोग झूठ बोल सकते हैं, 100 में से 90 लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे, है ना। तो बस ये वाला सीन था। तो अभी ये रहा अपना प्रोडक्ट, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर अभी मैं टेस्ट करके भी बता दूंगा आप लोगों को कैसा है। अब की बार मैंने रो वे मंगाया, मतलब कि इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो वो भी एक बार अपन ट्राई करके देख लेते हैं। इसलिए मैंने एक बार छोटा ही मंगाया, अगर अच्छा लगेगा तो अपन बाद में बड़ा मंगा लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर कोई और दूसरा मंगा लेंगे, ठीक है। अभी इसको पहले करते हैं ओपन। मसल ब्लेज रोवे प्रोटीन आइसोलेट, यस रोवे आइसोलेट प्रोटीन इज सर्विंग 27% प्रोटीन, 27 grams प्रोटीन, ओके लेट्स अनबॉक्स इट। अब इसको कैसे खोला जाए, चलो इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर टेस्ट भी कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जब कुछ चीज़ ना समझ में आए तो चाबी लो और इसे पूछो। ये तो एकदम ही मतलब ये इसका तो टेक्चर ही अलग है एकदम पूरा, मतलब जो मैंने बिग मसल्स का मंगाया था ना उससे तो बहुत ज़्यादा अलग ही टेक्चर है इसका। बाकी अभी अपन ट्राई करते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट में। चश्मा लगा के पिएगा प्रोटीन, स्मार्ट लगना भी जरूरी है मेरे दोस्त। मेरा वो कल जो लगा रखा था वो दूसरा वाला तो पता ही नहीं कहाँ पे है, मैंने अभी मेरी वाइफ को नहीं बताया, वो उसने गिफ्ट किया था भाई, वो कहाँ पे गया पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है मेरे को, मेरे फोनों का पता नहीं था यार सुबह उठा जब। लेट्स टेस्ट इट। भाई फीका फीका एकदम अजीब सा हो गया यार ये तो, इसमें तो ना कोई चीनी है, ना कोई मिठास है, ना कोई कड़वास है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लग रहा है कोई फीका दूध पी रहे हो। अब कोई नहीं, पैसा लग गया सेल लेंगे, अब तो रिटर्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो रिटर्न नहीं हो सकती भैया। ठीक है भैया, लग गए 1500 लग गए। पी जल्दी पी के बता, टेस्ट बता इसका कैसा है। अबे साले आ करके पी। आया मजा। जाने कैसी रात ना गई,
इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock इन द इवनिंग और अभी आया अपना वड़ा पाव। यहाँ पे चाय चल रही है और इन सालों ने आज व्लॉग ही नहीं करने दिया मेरे को, तो अभी व्लॉग कर ही नहीं पाए थे। अभी शाम हो गई, बस अभी खा पी के इन स्पीकर्स को नीचे उतारेंगे, फिर जमा करवा के आएंगे। बस यही है अभी तो फिलहाल जिंदगी में। दे दे भाई जल्दी से, गाइस गरम गरम है। मिर्ची मेरी भी दे भाई, सब देंगे गाइस। फाइनली आज का सेशन हो गया अपना यहीं पे खत्म और अभी स्पीकर वगैरह रख रहे हैं नीचे, अभी जमा करा के आने स्पीकर्स को और बस फिर खाना वाना खा के सो जाएंगे। तो यही था आज का तो अपना सीन, मतलब बस छुट्टी करी थी आज शॉप से, बाकी मेरे को पता होता का इतना शौक भी नहीं है ना, मतलब खाली बस ये एंजॉयमेंट के साथ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय हो जाता ना, तो इस वजह से अपन करते हैं, है ना। तो अभी एक स्पीकर तो गया है नीचे, एज यू कैन सी एक स्पीकर और बाकी ये पड़ा है। अभी लौंडे गया है नीचे, वो आ रहे हैं। ले भाई आ जा, उठाओ स्पीकर। ठीक है भाई, फाइनली एम्प्टी अपनी बिक चुकी है अपनी बेबो, जा चुकी है अपन को छोड़ के। मतलब थोड़ा दुख हो रहा है तो अंदर से थोड़ी खुशी भी आई हो रही है, मतलब अब एक ही है तो दूसरी तो आएगी ना, तो बस यही है सीन। अभी देखते हैं, सोचते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना, अभी वो फाइनल करेंगे। मतलब रेट अपन को बहुत अच्छी खासी मिल गई उसकी, तो इस वजह से मैंने बिना सोचे समझे भाई दे दी। ठीक है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी ना मैंने, उससे अच्छा खासा मिल गया, उससे भी ज्यादा। तो बस अभी तो यही सीन है, अभी बाकी देखते हैं अब कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सी बाइक लेनी चाहिए अभी।